जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शब्द मंथन पर स्वागत है। प्यारे भक्तों, ये किसी का कमेंट आया है और ऐसे कमेंट कई बार आ भी पहले भी आ चुके हैं, वो नीचे दब चुके हैं, लेकिन आज ये जो कमेंट आया मैं इसको स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ। ये लिखते हैं, घर में जो मेरा मंदिर है उसमें पुराने समय से ही लक्ष्मी गणेश जी भी विराजित हैं, गायत्री माँ भी विराजित हैं, लड्डू गोपाल जी भी विराजित हैं, श्री राम दरबार भी है। अब आपके वीडियो देखना शुरू किया है, मन में अन्यता का भाव आता है, लेकिन मंदिर में आते ही पहले इन्हें प्रणाम करें, फिर वही पंचदेव वाली बात आ जाती है। आपसे प्रार्थना है, कृपा समाधान बताएं। तो देखो प्यारे भक्तों, घर के मंदिर में कितनी भी मूर्तियां हैं आपके में, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने पहले से रख रखी हैं, जब ज्ञान नहीं था तो आपने रख रखी हैं। लेकिन अब राम नाम का आप जाप करते हो तो आपको सभी में एक भाव कैसे रखना है, ये आज मैं आपको बताऊंगी। उदाहरण के द्वारा समझें आप। देखो बेटा, घर में जितने भी सदस्य होते हैं उनमें जो बड़ा होता है वो तो बड़ा होता ही है सबसे, ये थोड़ी कि सारे बड़े हो जाएंगे। सबसे बड़े हैं भाई, ये हमारे घर के मुखिया हैं, उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते, वैसे तो करते तो सभी की हैं, लेकिन ख़ास बात होती है जो सबसे बड़े होते हैं उनके लिए अपने हृदय में। मान लो आप किसी प्रोग्राम में जाते हो, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं उन्हीं के घर के, आप सबको तो नमस्ते नहीं करते ना, आप ढूंढते हो कि जो इनके घर का मुखिया है तो उसी को मैं ढूंढ के उसी को नमस्कार करूं, करते हो ना। कहीं आप पंचायत होती है, पंचायत में जाते हो, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं तो वहाँ पे क्या करते हो, जो वहाँ का प्रधान होता है, जो हेड होता है, उसी को प्रणाम किया जाता है। ऐसे स्कूल में बहुत सारे अध्यापक होते हैं लेकिन जो हेड होता है वो हेड होता है, प्रिंसिपल तो एक ही होता है। प्यारे भक्तों, ये तो इस आम संसार की बात है। ऐसे ही जब आम संसार में भी हर चीज़ का हेड होता है तो भी परमपिता परमेश्वर तो सबका हेड है, जितने भी ऋषि संत महात्मा और जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं ये सब परमपिता परमेश्वर के नीचे आते हैं। हेड तो वो एक ही है, उसी के सारे रूप हैं, उसी के ये नाम हैं, तो क्यों ना हम एक उस हेड को ही भजें, उसी के नाम का जाप करें और उसी को प्रणाम करें तो हमें उसी से सब कुछ मिल जाएगा। प्यारे भक्तों, सब कुछ मूर्तियों के अंदर भाव के द्वारा उस परमात्मा को यानी ब्रह्म को देखें। अर्थात आपके घर के मंदिर में जितनी भी मूर्तियां हैं जब भी आप पूजा करने बैठो तो आपको एक ही भाव रखना है कि सभी मूर्तियों में मैं परमपिता परमेश्वर का ही स्वरूप देख रही हूँ और उन्हीं को प्रणाम कर रही हूँ। अब जो भगत किसी को भी नहीं मानते, मतलब एक उस परमपिता निर्गुण निराकार को मानते हैं, वो तो परमपिता परमेश्वर का नाम लें, या फिर जो राम जी को मानते हैं तो सभी मूर्तियों में राम जी का ही स्वरूप देखें, कृष्ण को मानने वाले कृष्ण का स्वरूप देखें, शिव को मानने वाला शिव का देखें। आप इस तरह से अनेक मूर्तियों में एक ही भाव रख सकते हैं तो आपकी पूजा अति शीघ्र फलीभूत होगी और यही सर्वश्रेष्ठ है। इस भाव से आप पूजा करेंगे तो आपका अति शीघ्र कल्याण होगा, क्योंकि प्यारे भक्तों वो परमपिता परमेश्वर एक ही है, ये सब उसके रूप हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब आप 10 मूर्तियां अपने घर में रख लो, उससे बढ़िया कि आप एक ही रखो और उस एक को ही भजो, क्योंकि भगवान कहते हैं जो केवल और केवल एक मुझको भजते हैं, जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं, मेरे अलावा और किसी की नहीं, और जो मुझ पे ही आश्रित रहते हैं, मैं उनकी सभी समस्याएं हर लेता हूं, सभी दुख दूर कर देता हूं, और ऐसे मनुष्य केवल और केवल मुझे ही प्राप्त होते हैं। और केवल एक का मतलब है आप किसी भी एक को, राम को, कृष्ण को, शिव को, गणेश जी को, दुर्गा माँ को, किसी एक को भज लो, भगवान आपकी श्रद्धा उसी में उत्पन्न कर देंगे। पर यह मत करो कि एक साथ आप 10 के नाम ले रहे हो, 5 के नाम ले रहे हो, आप एक ही के ऊपर ज़्यादा फोकस रखो और पूर्ण श्रद्धा विश्वास से उसी के नाम का जप करो तो प्यारे भक्तों आपका उद्धार अति अति शीघ्र होगा। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।